मलाड पश्चिम में बन रहे बीएमसी पी नॉर्थ वार्ड की बिल्डिंग से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद पूर्व प्रभाग समिति अध्यक्ष श्री डिसोजा ने मलाड पुलिस स्टेशन के बाहर मोर्चा निकाला और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। पूर्व नगर सेवक श्री डिसोजा ने पुलिस को लेटर लिखकर पुलिस से मांग की है कि बीएमसी ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, श्री डिसोजा ने साफ किया है कि पुलिस अगर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन हमने सीनियर साहब को ये बोला कि एक्चुअल में जब एक कंपनी टेंडर भरती है तो जब एक कंपनी अगर टेंडर भरती है तो टेंडर में टर्म कंडीशन होता है और उसके अंदर एक्सीडेंटल डेट का भी एक पॉलिसी होती है जिसमें करीबन एक इंजीनियर होना चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर होना चाहिए जिसको 25 साल का पुराना तजुर्बा होना चाहिए और वो इंजीनियर के नीचे दो इंजीनियर एक्स्ट्रा होना चाहिए और वो इंजीनियर कम से कम 24 आवर्स देख रेख करने की जवाबदारी वो इंजीनियर की होनी चाहिए, तो वो इंजीनियर पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आर्किटेक्ट के नीचे दो इंजीनियर हैं उन पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि बीएमसी के जो कर्मचारी है, बीएमसी के डिपार्टमेंट के गंदोली में इनका डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, वहाँ पे बैठे हुए असिस्ट इंजीनियर जो है और जूनियर इंजीनियर उन पे भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये हमने मांग की है और हमने पत्र दिया आज उनको कि भाई हमारी मांग है कि अगर ये नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं कल माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे को भी पत्र लिख रहा हूँ, उसके साथ माननीय हमारे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी जी हमारे हैं उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। पालिका बीएमसी के इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जिम्मेदारी होती है ये सब चीज़ देखने की कि वर्कर्स बरोबर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उधर जो इंजीनियर है नहीं है ऑफ साइट पे, आर्किटेक्ट है नहीं है, ये तो राम भरोसे काम चल रहा है, तो ये सब चीज़ों पे इन पे भी FIR होनी चाहिए थी जो इधर नहीं हुई है। आप किस तरह से प्रेशर डालेंगे सर इन लोगों पे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इनको आरोपी नहीं बनाया जाता है तो हम लोग हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे और हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो जो लोग इसमें बच गए हैं मैनेज करके उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर PI जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया है कि इस घटना के बाद कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, बहुत जल्द बाकी की कार्रवाई भी होगी। हमारे यहाँ पे हादसा हो गया था, एक लड़का बीएमसी का जो बिल्डिंग बन रहा है लिबर्टी गार्डन में वहाँ पे 10वें माले से गिर गया था, तो वो हादसे के लिए हमने गुनाह रजिस्टर किया है 501 नंबर सदोष मनुष्यवध का, उसमें जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर प्राइम सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के ऊपर और जो साइड के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो सुपरवाइजर है उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया है, एक आरोपी को अरेस्ट किया है, तपास चालू है। आमतौर पर मुंबई में देखा यह गया है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो पुलिस और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर इस पूरे मामले को लफादफा करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए बड़े मछली बच जाते हैं और छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है।